गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम अगेन टू माय चैनल व्लॉग भी ज़रूरी है। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, अपना नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है। वैसे गाइस जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, गोवर्धन गए थे वहाँ पे ठंड लग गई, जुकाम और खांसी से बुरी हालत हो रही है। तब नहा लिया हूँ, देखता हूँ बुखार वुखार ना चढ़ जाए कहीं पे। और तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट मील की शुरुआत हो चुकी है, अंडे, और थोड़ी देर बाद सेकंड मील खाएंगे हम ब्रेड। सो जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जिम वालों के लिए जो मील होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप प्रॉपर मील लोगे, और बेशक एक दो दिन की एक्सरसाइज स्किप हो जाए पर मील स्किप ना हो, तो इससे क्या होता है कि बॉडी रिकवरी जल्दी होती है, तो बॉडी को भी फ़ायदा होता है। तो आपको तो होगा ही होगा। तो अगर कोई भी भाई अपना या जो भी अपना जिम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले मील ज़रूर रखनी है अपनी आगे। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 12:30 और मैं अपनी सेकंड मील ले रहा हूँ ब्रेड एंड पीनट बटर्स। उसके बाद 2 बजे के आसपास खाना खा लेंगे। तो इसी तरह से चलेगी धीरे धीरे आगे। तो आज कुछ खास नहीं हो रहा, बस जस्ट थक रहा था तो आराम कर लिया, 10 बजे सो गया था, वो अंडे खा के। अब उठाऊँ, अब ब्रेड खा लूँगा, फिर मैम को छोड़ के आना है और पूर्वा को लेके आना है। सो हाय गाइस, अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चों को पढ़ाने चलते हैं और वहीं पे मस्ती करते हैं। तो चलिए, तो भाई हम आ लिए हैं ट्यूशन पे, और यहाँ बाढ़ ना आया कोई भी, और धूप बड़ी कैडी हो रही है, सीधा मुंह पे लग रही है, छाया आ नहीं रही। अब किया है फ़ोन भाई के पास, भेजते हैं उनको, पक्का डांट पड़ेगी आज उनको। इतने दिन में मैं आज आया हूँ और आज भी वो लेट। अब भाई उनको सही डांट मार के जब भेजेंगे। तो आने दो, देखते हैं सब पे। 2 तो आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ, उनको थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर 5:30 बजे खेल जीत जाएंगे, स्वाति मिलेगी वहाँ पे, कुछ मौज मस्ती करेंगे। तो चलो आजा, मना कर रहे हो पढ़ने को बिल्कुल भी? अच्छा क्या हाल है तेरी? तो ये हड्डी खा ले या बता तेरे क्या हाल है, पता ही ना तो अपने हाल की। अरे तेरे बढ़ना रही का बढ़ती होती तो कैसा वो फंस के आ जाती। मेरे देखिए मेरी भी डीली होगी भाई, मेरी हड्डी खाल कम हो रही है, बढ़ ना रही। जिम तो मैं जिम ही चढ़वा दी मेरी, क्या करें। मैं आ गया हूँ यहाँ के LJ में, स्वाति बुलाई है, अब उसका इंतजार हो रहा है। कभी भी उसे फ़ोन कर लो, टाइम पे तो आना ही नहीं है उसको, हमेशा 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 लेट। तो अब बैठे हैं यहाँ पे, आने वाली होगी तो इंतज़ार कर रहे हैं, उससे मिलेंगे। अब कुछ नहीं, प्लान कुछ आज खास नहीं है, बस मिलके थोड़ा बात करेंगे, और अगर कुछ खाना होगा तो देख लेते हैं, खा लेंगे। ये देखो ये आ गई फाइनली, इतनी देर इंतज़ार करवाने के बाद। हाँ हाँ छुपा ले फेस अपना, ना 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 छुपा ले, जब भी छीन लगे तू। ये आपका वहम है स्वाति जी, आपका वहम है। आलिए स्वाति से वो आई, उसे मिले, थोड़ा वहाँ पे मौज मस्ती की, बातें की, फिर उसको भाई के यहाँ पे जिम पे लेके गया, उसको जिम करनी थी, इसके कहते मेरे को वेट लॉस करना है, फिर वहाँ घुमा के लेके आया उसे। उसके बाद आगे के जिम थोड़ा बहुत बैठे, कुछ खाया पीना, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैं घर आ गया कि यहाँ पे देखा तो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, थोड़ा उनके साथ खेला, फिर उनकी पढ़ाई का टाइम हो गया तो पढ़ा के अब बस मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, अब एडिटिंग करके, और फिर इसके बाद इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई को आगे बढ़ाना, भाई के आपका ये चैनल है, मेरा कुछ नहीं, सब आप सबका है, क्योंकि यार आप जानते हो कि एक यूट्यूबर केवल व्यूअर से और सब्सक्राइबर से बढ़ता है। तो मेरे सब्सक्राइबर और मेरे मतलब व्यूअर सब आप हो, तो आपके थ्रू ही मैं बढ़ पाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना और हमेशा सपोर्ट करना। थैंक यू।